मशाल ज्वाला का एक ऐसा रूप है जो सही हाथों में हो तो रास्ते रोशन हो जाते हैं, और अगर गलत रास्तों में पड़ जाए तो सब कुछ राख। मैं राजीव कुमार लेकर आया हूं जुर्म की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक नया धारावाहिक मशाल, गुनाहों की तपन और जुर्म के उन सैकड़ों केसेस की झलकियां जिन्हें देखकर हम सचेत और जागरूक हो सकें। इंसान बहादुरी और साहस के बल पर कुछ भी कर सकता है। साहस का ऐसा ही बयान है आज की इस कहानी में। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रिशांत उठो बेटा, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। पहले कभी इतना देर तक नहीं सोता था। 7 बज चुके हैं, अब ज्यादा देर तक सोया ना तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। क्या सुनाई नहीं देता, उठो। मम्मी पेट में बहुत तेज दर्द है। अच्छा, क्या हो गया? उल्टी जैसा हो रहा है, सिर भी बहुत दुख रहा है, लगता है बुखार भी है। अच्छा, तुम आराम करो, मैं पेट दर्द की दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? वो उसके पेट में दर्द है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है। रिशांत, क्या हुआ बेटा? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, कुछ उल्टा सीधा खाया था तुमने? नहीं बाबा। बेटा, पेट में अगर ज्यादा दर्द है तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं पापा, इतने से के लिए डॉक्टर को मत बुलाइए, मम्मी दवाई ला रही है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दवा खा के घर पे ही आराम करो, और प्लीज हाथ धो के खाना खाया करो। अजी सुनिए, मुझे दवाई नहीं मिल रही है, जरा आएंगे? आता हूँ। बेटा तू आराम कर, मैं अभी आता हूँ दवाई लेके, ठीक है? यस। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, प्लीज। रिशांत, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है रिशांत, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लड़का भी ना, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो तुम? देखिए ना, मैं इसे कब से बोल रही हूँ कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और कह रहे कि आज होमवर्क नहीं किया तो इसलिए स्कूल भी नहीं जाएगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हुए? स्कूल का होमवर्क नहीं किया तुमने? मत भूलो कि तुम्हें स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, तुम उस अवार्ड को गवा देना चाहते हो। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा बेटा, टीचर से माफी मांग लेना, आई एम श्योर कि वो तुम्हें दूसरा मौका जरूर देंगी। ओके, कम ऑन, गेट रेडी, चलो। चल बेटा, ध्यान से जाना। एक्सक्यूज मी, आप रिशांत के फादर मिस्टर सुधीर कुमार हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए क्या बात है?
मैं उसकी क्लास टीचर कविता दास। मुझे उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था। कई बार बोला मैंने उसे कि आपको स्कूल में बुलाए, लेकिन उसने कहा कि आप आउट ऑफ टाउन है। पर मैं तो शहर में ही था और ऐसा कुछ ऋषान ने बोला भी नहीं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए आइए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। चलिए। सही में आपको ऋषांत ने कुछ नहीं बताया? जी मुझे उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक, चलिए। मैं तो शहर में ही था, लोकल ही था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं आउटडोर गया हूँ। कहिए मैडम आप क्या कहना चाहती हैं। जी देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ऋषांत के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, उसके ग्रेड्स भी गिरते जा रहे हैं और इस बार तो वो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। आप अटेंडेंस देख लीजिए, वो भी बिल्कुल कम है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जो लड़का हमेशा से स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में फर्स्ट आता रहा, आजकल उसका इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। उससे जब भी कुछ पूछो बस घबरा कर भाग जाता है। मैडम ये सच है कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब है और मुझे पता ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है। रुकिए सुधीर जी, एक मिनट। ये देखिए, ये उसका रिपोर्ट कार्ड है। ग्रेड्स बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है ये देखकर, और ऋषांत मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए मैं पर्सनली आपसे बातें करना चाहती थी। उसका परफॉर्मेंस जिस तरीके से गिर रहा है, स्कूल ने डिसीजन लिया है कि हम उसका बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड किसी और स्टूडेंट को दे दें। ऋषांत की पढ़ाई, स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में हाई परफॉर्मेंस देखते हुए मैं इसे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड देना चाहती हूँ। और बच्चों, आपको भी ऋषांत की तरह पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैडम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऋषांत के साथ अचानक ही क्या हो रहा है। हमने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं रखी और हमने कभी उस पर दबाव भी नहीं डाला कि उसे क्लास में फर्स्ट आना है, फिर अचानक से मेरा बेटा हम लोगों से सब बातें क्यों छुपा रहा है। ऋषांत मेरा इकलौता बेटा है मैडम, आप प्लीज़ उसे सुधार दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस पर स्पेशल ध्यान रखें। आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँगा, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। देखिए मिस्टर कुमार, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम ऋषांत को अपने प्यार और गाइडेंस के थ्रू बिल्कुल सुधार लेंगे। और आप इस वक्त ये जानने की कोशिश करें कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है और उसका हल ढूँढें, बाकी हम हैं यहाँ। थैंक यू मैडम। ए बच्चा इधर क्या कर रहे हो। बेटा बैल बज चुकी है, जाओ क्लास में, चलो चलो। पापा को तो सब पता चल गया, आज घर जाकर उनको क्या बताऊंगा। सॉरी पापा, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। ऋषांत तू इतने से स्कूल क्यों नहीं आया। तुझे पता है तू नहीं आया तो हमारी टीम फुटबॉल मैच हार गई। Yeah.
अरे यार घंटी बज गई यार। अरे सुन, राजेंद्र सर का लेक्चर है, अगर लेट पहुंचा तो मार मार के फुटबॉल बना देंगे, फिर करते रहना गोल। अरे तू जा, मैं आता हूँ। हाय पुनीत, आज तू खेलने क्यों नहीं आया? आज पता है मैंने 5 गोल मारे, हमारी टीम आज फिर से जीत गई। यार ईशान, तू तो क्लास में टॉपर है, तुझे तो पता है मेरा मैथ्स कितना वीक है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ था इसलिए मैं तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आ सका। अब राजेंद्र सर मुझे बहुत मारेंगे और आज वो सबकी कॉपी भी चेक करने वाले हैं, मेरा कुछ सम सॉल्व नहीं हुआ है। तू फिकर मत कर, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तेरे सारे सम सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स ईशांत, तूने मुझे आज पीटने से बचा लिया। अरे आज राजेंद्र सर मुझे बहुत मारते और अंकित की तरह मेरी भी उंगली तोड़ देते। अरे हम दोनों दोस्त हैं, अरे दोस्ती दोस्त के काम आते। और ईशान, तूने होमवर्क किया? कल सर ने ना मुझे बहुत मारा था, अंकित की उंगली ठीक हो गई पर वो अब स्कूल नहीं आएगा। सर आने वाले। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं आया करूं तो अच्छे से विश किया करूं, भूल गए? हाँ, पूरी क्लास को बाहर धूप में खड़ा करूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। अभी छोड़ रहा हूं, दोबारा मौका नहीं दूंगा। चलो तुम लोग अपनी क्लास का कॉपी निकालो और मुझे चेक कराओ। और जो लोग कल अब्सेंट थे या अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। तुम लोग यार बाहर आओ या मुर्गा बन जाओ, तुम इधर बनो। और ये बुक्स अगर गिरी तो इतना मारूंगा कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे तुम लोग। क्लास मॉनिटर। यस सर। सबकी कॉपी कलेक्ट करो और यहां लेके आओ। यस सर। पुनीत पांडे, होमवर्क करके आए हो? जी सर। या फिर ये बास की बनी हुई चॉकलेट खिलाओ, आए हो? जी सर। वाह, अच्छा, शाबाश। देखा, सुधार के लिए मार की कितनी जरूरत होती है, दिखाओ मुझे। क्लास का नाम पर बात करोगे? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? मैंने क्या हा? किसने लिखा था ये? जल्दी अपने स्कूल का नाम खराब करेगा सर, मत मारो। मशान। अपने टीचर से झूठ बोलते हो? ये होमवर्क किसने किया है? ये घर वालों में से किसी ने किया या इन दोस्तों में से किसी ने किया है, बोलो। नहीं सर, मैंने किया है ये। अच्छा, तुमने किया है तो फिर ये राइटिंग में अंतर कैसे है? ठीक है, तुम इसे स्कूल के पुराने फेलियर हो तो तुम्हारी बात मान लेते, ठीक है। अब यही होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाओ, अगर सॉल्व कर लिया तो पूरी क्लास तुम्हारे लिए क्लैप करेगी, ठीक है? चलो चलो, अपने टीचर से झूठ बोलते हो तुम। क्लास का नाम बदनाम करोगे? सच बोलो सर। नहीं सर, मारो मत सर। किसने किया? सर मत मारो। अपने टीचर से झूठ बोलते हो तुम? क्लास का नाम पर बात करोगे? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? किसने लिखा था ये? जल्दी अपने स्कूल का नाम खराब करेगा सर, मत मारो।
पुनीत जा आराम से, या बैठ जा, आ बैठ पुनीत। चल हम कविता मैम को राजेंद्र सर की कंप्लेंट करते हैं। नहीं यार रहने दे, अगर राजेंद्र सर को पता चला वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और तुझे बहुत मारेंगे। थैंक यू टीचर। इस रफ्तार भरे जीवन की आपाधापी में हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं जो हमारे सामने ही अदृश्य मशाल की तपन में सुलग रही होती हैं। रिशांत के बेस्ट फ्रेंड पुनीत की हुई पिटाई से पूरी क्लास डरी हुई तो थी ही, साथ ही परेशान भी, लेकिन उनमें उसका विरोध करने का साहस नहीं था। स्कूल में टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई किए जाना ये एक संगीन अपराध है। हमारे देश के कानून में IPC सेक्शन 83 जैसी कई धाराएं मौजूद हैं जो बच्चों के हक और उनकी आज़ादी की बात करती हैं, जिनकी मदद से हम बच्चों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार को रोक सकें और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने संविधान का सही उपयोग करें। यार रिशांत, पुनीत 10 दिनों से स्कूल नहीं आया। मुझे तो लगता है अनिकित की तरह उसने भी स्कूल छोड़ दिया होगा। देख यार, तू पुनीत का बेस्ट फ्रेंड है, तू उसके घर जा और पता कर वो कैसा है, उसे स्कूल आने बोल। क्लास का नाम पर बात करोगे? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? किसने लिखा था ये? अपने स्कूल का नाम खराब करेगा? सर मत मारो। पुनीत, पुनीत, नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटे। मैं पुनीत का दोस्त रिशांत। वो पुनीत 10 दिनों से स्कूल नहीं आया, क्या हुआ क्या उसे? उसकी कॉपी मेरे पास है, वही देने आया हूँ। वो बेटा बीमार है, अभी आराम कर रहा है, जब सो के उठेगा तो मैं बता दूंगा तुम आए थे। कौन आया? प्रशांत बेटा एक बात सच सच बताना, पुनीत को किसने मारा है? पुनीत को नहीं पता मुझे। जिस दिन स्कूल से आया सदमे में है, स्कूल जाकर भी पता किया, कुछ पता नहीं चला। तुम उसके सच्चे दोस्त हो ना, बताओ ना क्या हुआ था सच सच। पूरे बदन पे उसके पिटाई के निशान पड़े हुए हैं। नहीं मुझे नहीं पता। देखो बेटा रिशांत, डरो मत, हमें सच सच बताओ पुनीत को किसने मारा, और देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं अंकल मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो उसे किसी ने नहीं मारा। हाँ तो मुझे देर हो रही है, ये रख लो, उसे दे दीजिए। मैं जाता हूँ। चलो चलो बहुत होगी पढ़ाई, तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है। क्या हुआ, कुछ परेशानी है बताओ? नहीं। अच्छा अपनी मामा से छुपाओगे? बताओ बेटा। नहीं बोला ना। अच्छा बाबा मत बताओ। रिशांत मेरी एक बात ना बेटा हमेशा याद रखना, तुम अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम्हें पता है तुम कभी भी ना किसी गलत रास्ते पे मत चलना। तुम्हें पता है जो गलत रास्ता होता है ना वो बहुत आसान होता है लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो सच्चाई और नेकी का रास्ता होता है उस पर चलने में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी लेकिन वो रास्ता कभी हमारा बुरा नहीं करता। राजेंद्र सर, अब आपको मैं कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाने दूंगा,
प्रिंसिपल सर से आपकी कंप्लेंट करूंगा और वो आपको स्कूल से निकाल देंगे। और जो लोग नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ना, उन्हें उनकी मंजिल जरूर मिलती है और वो रास्ता तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगा, समझे? अब अपनी मम्मा की इन बातों को कभी मत भूलना, ठीक है बेटा? चलो अब तुम जल्दी से सो जाना, ठीक है? सर मारो मत सर। किसने किया? सर मत मारो। हाँ, अपने टीचर से झूठ बोलते तुम? हाँ, क्लास का नाम बर्बाद करोगे? मेरी बात नहीं मारोगे तुम? किसने लिखा था ये? राजेंद्र सर, अब आपको मैं कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। प्रिंसिपल सर से आपकी कंप्लेंट करूंगा और वो आपको स्कूल से निकाल देंगे। तब आपको पता लगेगा कि जबरदस्ती बच्चों को मारने का अंजाम क्या होता है। आई प्रॉमिस पुनीत, मैं राजेंद्र सर से तुझको सॉरी बुलवाऊंगा। अब मैं कभी डरूंगा नहीं और सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगा। थैंक यू मम्मी मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। फिर तो पक्का ही है वो राजेंद्र सर को